नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राउजर स्टैक रिपोर्ट के बारे में और इसका वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या मतलब है। ब्राउजर स्टैक एक टूल है जो हमें बताता है कि हमारे वेबसाइट अलग अलग ब्राउजर्स और डिवाइसेस पे कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फ़ोन और टैबलेट जैसे एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड डिवाइसेस पे हमारी वेबसाइट कैसे परफॉर्म करती है। इससे हम चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट सही डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, कहीं कोई इशू तो नहीं है डिफरेंट ब्राउजर्स या डिवाइसेस पे, क्योंकि आजकल हर यूज़र का अपना प्रेफर्ड ब्राउज़र और डिवाइस होता है। किसी को क्रोम पसंद है तो किसी को फायरफॉक्स, और कोई डेस्कटॉप पीसी यूज़ करता है तो कोई मोबाइल फ़ोन। तो हमारा वेबसाइट हर जगह अच्छे से वर्क करना चाहिए। ब्राउज़र स्टैक हमको एक रिपोर्ट देता है जिसमें हम देख सकते हैं कि वेबसाइट कहाँ कहाँ सही चल रहा है और कहाँ कोई इशू है, जैसे टेक्स्ट ब्लर हो रहा है, इमेजेस डिस्टॉर्ट हो रही है, पेज स्लो लोड हो रहा है या फिर क्रैश हो रहा है। इस रिपोर्ट को एनालाइज करके हम फिक्सेस कर सकते हैं अपने कोड में, ताकि वेबसाइट हर ब्राउज़र और डिवाइस पे कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस दे पाए। इससे यूज़र अटेंशन और सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों, ब्राउज़र स्टैक बहुत हेल्पफुल है मॉडर्न वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ब्राउज़र स्टैक के बारे में और क्या जानना है। धन्यवाद।